नमस्ते हिंदुस्तान। आज मैं बात करूंगी भारतवर्ष के सो कॉल्ड सुपरस्टार, बहुत बड़े अभिनेता, हमारे पैसों पर, हमारे रहमो करम पर बने हुए सुपरस्टार, करोड़पति, जिनको माँ भारती ने, हिंदुस्तान ने सम्मान दिया, नाम दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो भारतवर्ष के जयचंद हैं, एक एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट मिस्टर आमिर खान जी की, जिनके लिए ब्लैक लाइफ तो मैटर करती है, लेकिन भारतवर्ष का पुत्र, उनके ही साथ के को स्टार, उनके साथी, उनके फर्टर्निटी के एक होनहार बच्चे सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ मैटर नहीं करती है। उस पर वो एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, वो उनको गलत और नाइंसाफी नहीं दिखाई देती है, उसमें उनको कुछ भी अन्याय नहीं दिखाई देता है। मुंबई की पुलिस, मुंबई की सरकार, वहां महाराष्ट्र की सरकार उस बच्चे के साथ नाइंसाफी करती हुई नहीं दिखाई देती है, एक भी शब्द वो नहीं करतेंगे बोलते हुए सुनाई देंगे, बट ब्लैक लाइफ मैटर्स, ब्लैक लाइफ पर बहुत कुछ बोलेंगे। जिनको हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं लगता है, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है तो वो एक शब्द, एक ट्वीट, एक बात नहीं करते हैं, कोई खुशी उनके चेहरे पर नजर नहीं आती है, उनके मुंह में दही जम जाता है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जिनके लिए हिंदुस्तान, मां भारती एक ऐसी सरजमी है जहां पर वो सुरक्षित नहीं है, वो बहुत असुरक्षित हैं, उनके बच्चे का फ्यूचर इस देश में सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है असहिष्णु हैं, हम लोग जो है धर्म निरपेक्षता पर विश्वास नहीं रखते हैं। जिनके लिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान किसी भी तरीके की सुरक्षा उनको नहीं देता है, लेकिन ये वही आमिर खान हैं जो पाकिस्तान का पैसा लेकर के अपनी मूवी में लगा सकते हैं, उसमें इनको कोई परेशानी नजर नहीं आती है। ये वही आमिर खान हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वही आमिर खान हैं जो हमारे जो मैटर्स हैं, कम से कम बॉलीवुड का जो इतना इंपॉर्टेंट मैटर अभी चल रहा है सुशांत को न्याय दिलाने का, उस पर तो चुप रहते हैं, लेकिन अपनी पिक्चर लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करने के लिए टर्की में जाकर वहां की फर्स्ट लेडी के साथ खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, भोजन करते हैं। और टर्की बाय द वे वो राष्ट्र जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा रहा, जिसने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जम्मू एंड कश्मीर के मामले में अपनी टांग अड़ाता रहा, हस्तक्षेप करता रहा। जब 2017 में भी इनके राष्ट्रपति हिंदुस्तान के अंदर आए थे मिस्टर तैयब, उन्होंने ये बात बोली थी, रजब तैयब उनका नाम है, उन्होंने ये बात बोली कि आप लोग जो है वार्तालाप कीजिए पाकिस्तान के साथ और जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या किस तरीके की बातें, आप लोग होते कौन हो हमारे इंटरनल मैटर्स में बोलने वाले। और उसके बाद जब एक साल धारा 370 खत्म होने का एक साल हुआ 5 अगस्त को अभी, तो तुरंत कहते हैं कि एक साल से वहां पर कुछ भी नॉर्मलसी नहीं आई है, वहां पर लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, अभी भी वहां पर शांति बहाल नहीं हुई है। वो टर्की जो फोन, जहां के राष्ट्रपति इमरान खान को फोन करके बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं भारत के विरोध में और तुम्हारे समर्थन में, उसके साथ जाकर के आमिर खान जो है उनके घर में बैठ जाता है, उनके यहां भोजन करता है। जो भारत का विरोध करेंगे, जो भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे, वो लोग इनको अपने लगने लगते हैं, लेकिन जो देश, जो मां भारती इनको सर पर चढ़ाती है, इनको नोवेयर से हीरो बना देती है, उनके लिए सब कुछ करती है, उसी पर कुठाराघात करते हैं, उसको वेदना देने में, उसको दुख देने में इनको 2 मिनट नहीं लगते हैं। और हम इन लोगों का महिमा मंडन करते हैं, इन लोगों को सर पर बिठा करके रखते हैं। और अगर इन लोगों से कुछ प्रश्न किए जाए तो एक सूडो लिबरल्स की एक लॉबी है, अवार्ड वापसी गैंग की एक लॉबी है, ओपन लेटर वालों की एक लॉबी है, जो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाले लोगों में कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, कुछ भी गलत नहीं नजर आता है। टर्की में चले गए, टर्की की फर्स्ट लेडी से जाकर के मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं अपनी फिल्म प्रमोशन के नाम पर, तो क्या गलत कर रहे हैं मिस्टर आमिर खान? शेम ऑन यू। और अगर आपको इतनी परेशानी हिंदुस्तान से है, इतने ही इनसिक्योर आप हिंदुस्तान में हैं, आपका बच्चा इतना ही अनसेफ हिंदुस्तान के अंदर है, आप अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए दुश्मन राष्ट्र के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, वो देश जो कभी भी भारत का साथी नहीं था, जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, भारत को अस्थिर करने के लिए भारत के इंटरनल मैटर में उसने अपनी टांग अड़ाई जहां पर उनकी आवश्यकता भी नहीं थी, तो आप एक काम कीजिए ना,
आप एक काम कीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और टर्की चले जाइए, प्लीज जाइए, हमें नहीं चाहिए आपके जैसे जयचंद इस देश के अंदर, नहीं है हमें आप लोगों की आवश्यकता। जिस थाली में आप खाते हैं उसी पर छेद करते हैं, और ये तो बहुत बहुत ही छोटा छोटी चीज मैंने बोल दी। आप उस मां को लज्जित करते हैं, आप उस मां का चीर हरण करते हैं जो मां भारती तुमको आज सर पर बिठाकर तुम्हें इस लेवल पर लेकर के आई है, हिंदुस्तान की आम जनता का के हृदय को छलनी करते हैं, हमारी भावनाओं को आहत करते हैं, इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने की कोशिश करते हैं, जो देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, जो देश इस बात को मानता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, उस देश को तोड़ने की कोशिश करते हो मिस्टर आमिर खान। आप प्लीज आप जाइए यहां से, आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो टर्की जो हमेशा हमारे खिलाफ बयान देता है, जो हमारे हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा होता है, मैं बहुत दुखी हूं कि आमिर खान वहां जाकर के खड़े हो गए। एक शब्द तुमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी बोला नहीं, एक शब्द तुमने ये नहीं बोला कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, एक शब्द नहीं बोला। तुम्हारे वो नाकारे निकम में भतीजा इमरान खान जो भी उसका नाम है, उसको एक्टिंग के नाम पे जीरो है, वो जीरो, एक्टिंग का ए नहीं आता उसको, लेकिन उसके बावजूद जस्ट बिकॉज वो आपका भांजा है या भतीजा है जो कुछ भी है, उसको ये इंडस्ट्री उस नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को एक के बाद एक चांस देती रही, टिल वी स्टॉप्ड वॉचिंग हिज मूवीज, ही वॉज गिवन सो मेनी चांसेस। पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप कुछ नहीं बोलोगे, हिंदुस्तान के पक्ष में आप कुछ नहीं बोलोगे, जब बैंगलोर में दंगे होंगे तब आप कुछ नहीं बोलोगे, जब बैंगलोर में इस्लाम के नाम पर लोग इकट्ठे होकर के 600 से 700 गुरिल्ला वॉरफेयर को अपना प्लान स्ट्रेटजी बना करके 60 पुलिस वालों पर हमला कर देंगे, उनको चोटिल कर देंगे, उनको घायल कर देंगे, तमाम गाड़ियों को फूंक देंगे, तब आप कुछ नहीं बोलोगे। भारतवर्ष की राजधानी के अंदर NTCA के नाम पर पूरी दिल्ली जला दिया जाता है, हजारों लोगों को मार दिया जाता है, गोद गोद कर निर्मम हत्याएं की जाती हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है, ताला लग जाता है, तब आपको ये देश में गलत होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तब आपको ये नहीं लगता है कि इस देश में कुछ बहुत गलत हो रहा है, देश को धर्म के आधार पर बांटने की जलाने की कोशिश की जा रही है। जब एक लीडर मिस्टर ओवेसी अपने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान की धरती पर लगाते हैं, तब आपको कुछ गलत नजर नहीं होता हुआ नजर नहीं आता है, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। इतनी सेलेक्टिव हियरिंग एंड इतनी सेलेक्टिव मेमोरी है आपकी, इतनी घटिया और छोटी सोच है आपकी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कहां है आपका परफेक्शन, कहां है आपकी वो सोच जिस सोच से 0.1% तो ये दिखे कि आपका आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है, आपका दिल सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए धड़कता है, जो सच है जो सही है उसके साथ खड़े होइए, चाहे वो किसी भी मजहब से आता हो, इस देश के लिए खड़े होइए, उस देश के साथ मत चले जाइए खड़े होकर होने के लिए जो देश भारत के विरोध में है। सुशांत सिंह राजपूत पर एक शब्द बोल देते तो मैं समझती, और तुम क्या सोचते हो ये सब नौटंकी करने से तुम्हारी लाल सिंह चड्डा चल पड़ेगी, जनता जनार्दन है, धरती पर तुम लोगों को लेकर के आना है, और ये हमारी मुहिम है, ये हमारी कसम है, और ये होकर के रहेगा, और मेरे देश को बांटने की कोशिश मत करो। हम सारे भाई बहन हर समाज से, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, चंद लोगों की वजह से ये तमाशा यहां पर चलेगा नहीं। अगर तुमको असुरक्षित महसूस होता है तो प्लीज लीव माय कंट्री। इस देश में ये दोगलापन नहीं चलेगा, इस देश में ये घटिया सोच घटिया राजनीति नहीं चलेगी। बॉलीवुड के नाम पर, स्टारडम के नाम पर, सुपर हीरो के नाम पर जो करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, अब वो नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। हिंदुस्तानी भारतवर्ष का नागरिक, जागरूक नागरिक, समझदार और जिम्मेदार नागरिक नहीं होने देगा, ये याद रखना आप, और इस बात को अपने दिमाग से बाहर मत निकालो। आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।